अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं बच्चों? आप देख रहे हैं टेक एल कलाम अकेडमी। तो बच्चों, आज की वीडियो बहुत अहम है, स्पेशली सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें ताकि आपको मेरी बात की समझ भी आ जाए और आपको मज़ीद जो है क्वेश्चन ना करने पड़े। तो पहली बात है कि डेट शीट के हवाले से, कि सेकेंड ईयर की डेट शीट आ गई है कि नहीं, और हमारे पास कितना टाइम है कि हम तैयारी कर सकते हैं कि नहीं। और दूसरा ये कि जिन बच्चों ने अभी तक किताबों को हाथ नहीं लगाया तो क्या वो भी तैयारी कर सकते हैं कि नहीं। तो इन सब सवालों के जवाब तो आपको इस वीडियोज़ में मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चों, एक चीज़ पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट आता है तैयारी करने के लिए, तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये वाजिया क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आप टाइम कम है और मंथली चार्जेस नहीं है, ये फ़ीस पैकेज का हिसाब है। और अगर आप कोई वीडियोस लेक्चर भी लेना चाहते हैं तो पर चैप्टर के हिसाब से उसके चार्जेस होते हैं। तो जिन्होंने पढ़ना होगा वो तो आएंगे, लेकिन काइंडली यहाँ पर आके अपनी फ़ीस मार्केट ना लेके आया करके, भाई इतना ले लें, इतना होना चाहिए, इस तरह नहीं, ठीक है। आपको जो भी चीज़ चाहिए वो आपको बता दी जाएगी, आपको चाहिए होगा तो आप पे करके आराम से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर आके बहस करेंगे तो आपको पता है डायरेक्ट आपके नंबर ब्लॉक कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये एक ऑनलाइन एकेडमी है, पढ़ाने की जगह है। इसमें कोई जोक और मजाक नहीं है कि आप जो अपने यहाँ पर फ़ीस की डिमांड लेके आएंगे तो वही हो जाएगा। हर स्टूडेंट्स के लिए रूल इक्वल है, इसलिए काइंडली इसको फॉलो करने की कोशिश करें। तो जिसने पढ़ना होगा वो तो बहस नहीं करेगा, उसे पता है कि भाई मैंने काम लेना और मैंने पढ़ना है, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया, उसी वो स्टूडेंट जो है रब्ता करे। अब इसमें जो गेस्ट पेपर, जाहिर सी बात है जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे यहाँ से चीज़ें लेके जाएंगे उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी, क्योंकि टाइम कम है। अब डेट शीट का सवाल उठ रहा था कि डेट शीट आ गई कि नहीं। बच्चों, जो डेट शीट आई ना, देखिए जो अभी डेट शीट आई था उसको अपने माइंड में रखते हुए तैयारी कर लें, क्योंकि टाइम तो वैसे है भी नहीं, ठीक है। टाइम तो वैसे है भी नहीं। ये डेट शीट जो होती है इसे कहते हैं टेंटिव डेट शीट, जिसे आप कहते हैं आरजी डेट शीट, यानी इसमें रद्द बदल किया जा सकता है, लेकिन इसकी मदद से आप उसको जहन में रखते हुए तैयारी कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। बच्चों, 18 जून से उन्होंने कहा है पेपर स्टार्ट होने हैं। हाँ जी, होने हैं। तो पहला पेपर मेरे ख्याल से साइकोलॉजी का है, ये मैं कॉमर्स की बात कर रहा हूँ उसे। तो 20 को आपका इंग्लिश का टेंटिव डेट शीट है बच्चों, टेंटिव, ऑफिशियली अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, ठीक है। टेंटिव डेट शीट का मतलब क्या होता है कि इसमें थोड़ा बहुत रद्द बदल किया जा सकता है या ये बिल्कुल वैसे की वैसे भी छप सकती है। इसको देने का मकसद क्या है कि आप माइंड में रखते हुए इसको तैयार कर लें, नुकसान नहीं होगा, ठीक हो गया। क्योंकि जो स्टूडेंट डेट शीट के इंतज़ार में रहते हैं और जो है ना वो क्या करते हैं कि तैयारी नहीं करते, तो कहते हैं भाई जब ऑफिशियली आएगी तब तैयार करेंगे, तो अभी आपके पास टाइम कम है। तो 20 को इंग्लिश का पेपर है, आपको पता है 20 इंग्लिश के जो होते हैं चीज़ें उसमें भी स्टूडेंट्स हर बार जो है घबराते रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी, बैंकिंग, ठीक है। और 23 को बैंकिंग का है, 27 को जराफिया का है। जराफिया तो स्टूडेंट्स को वैसे ही बहुत मुश्किल लगती है। और उसके बाद 28 को आपका उर्दू का पेपर है और 29 को अकाउंटिंग का। देख लें यहाँ पर ना छुट्टी नहीं दी हुई। अब बाद स्टूडेंट कहते हैं कि फेक होती है, तो कॉमर्स की मोस्टली जो भी स्टूडेंट्स डेट्स बनती है ना उसमें छुट्टियाँ कम ही होती है। बाज़ का क्या होता है, एक के बाद दूसरा पेपर आ जाता है। एक को आपका स्टैट का है और 2 को आपका पार्क स्टडी का। उसके बाद जो है वो फर्स्ट ईयर की वो स्टार्ट हो जाएगी पेपर्स। तो ये जो टेंटिव डेट शीट है ये मैंने आपको बता दी है, आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर लें। तो अभी भी आपके पास टाइम है बच्चों। तैयारी जब आप करने के लिए आते हैं ना, आपको अगर ये है कि मैंने पास होना है, तो ये फ़ीस के ऊपर आके ना बहस क्रिएट ना क्या करें कि भाई फ़ीस है ये है। हर जगह पर इंस्टीट्यूशंस है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कह रहे थे कि यूट्यूब में आपको स्टार्ट के लेक्चर मुश्किल से ही मिलने हैं, ये पूरा जो है ना, अगर आप कहते हैं कि हमें चैप्टर वाइज चाहिए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर करवाई जाएगी, शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। बच्चों, ये पहला चैप्टर है, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के मुतालिक है, ठीक है ना। तो शॉर्ट क्वेश्चन में तो जाहिर सी बात है इसमें सिर्फ आपको बताने के कौन से तैयार करने हैं, ये चैप्टर इसमें कोई काम नहीं करने वाला। मेन चीज़ आपका क्या है, ये दूसरा चैप्टर ग्राफ वाला, तीसरा आपका फोर्थ चैप्टर और ये छठा, इन दोनों को मिला के इसमें कुछ चीज़ें करनी है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आपकी तैयारी नहीं है, आप पूरे 50 मार्क्स गेन करना चाहते हैं, तो बच्चों आप यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें उस वक्त ही प्रोवाइड की जाएगी जब आप फ़ीस पे करोगे। अब क्योंकि ये टाइम कम है, तो जब टाइम कम होता है तो उसके हिसाब से फ़ीस का पैकेज होता है, वो पे करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर लेना चाहते हैं, अगर पेड चैप्टर का लेना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस की डिटेल आपको बता दी जाएगी। अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस की डिटेल भी आपको बता दी जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपको बता दी जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर फ्री के चक्करों में आए ना कि हमें ऐसा कुछ मिल जाए या दो नंबरी काम करने के चक्कर में, तो बच्चों उसमें आपको कुछ नहीं मिला। ये सब चीज़ें आपको तभी मिलेंगी जब आप लोग चार्जेस पे करेंगे, ठीक हो गया। ये बताने का मकसद है, क्योंकि स्टूडेंट्स आते हैं वही बात, देखें अपनी फ़ीस मार्केट ना लेके आया करें। आप देखें, एक आप पेपर्स के जो एडमिशन्स वगैरह उनकी एक फ़ीस होती है, आप जाए कहें भाई मैंने इतना देना है इसमें से ये काम कर लें, नहीं सुनेंगे। एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी ये होती है कि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। और ये चार्जेस इतने नहीं है, ये आपको क्यों ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि आपने साल में पढ़ा नहीं है और लास्ट में आके आप मुझे कह रहे हैं कि मुझे सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दें। तो आपको क्या लगता है कि आपको मंथली बेस पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा? नहीं, जो स्टूडेंट शुरू से पढ़ रहे हैं वो मंथली बेस पे कर रहे हैं,
उनका तो कोर्स कवर भी है और रिवीजन भी कर रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं। अब जो अभी आ रहे हैं उनको उस हिसाब से चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अब आपने ये सोचना है कि आपके लिए क्या ज़्यादा अहम है, क्या एग्ज़ाम्स में पास होना ज़्यादा अहम है या सप्ली लेना ज़्यादा अहम है और बार बार चार्जेस पे करना ज़्यादा अहम है। तो ये दोनों में से आपने डिसाइड करना है। बाकी इंशाल्लाह जैसे ऑफिशियली अनाउंस होगा सब कुछ जो है आपको जो है ना वो डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर आपको नहीं पता चलता कि वीडियोज़ कब आती है तो बच्चों ये साइड पर वीडियो के ना लाल रंग का वो बटन का निशान बना होता है सब्सक्राइब का, उसको कर लिया करें। अगर जब करेंगे ना, जब भी कभी मैं लाइव आऊँगा या कोई वीडियो आएगी ना, तो उससे क्या होगा आपको भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं हो, कहते हैं हमें पता नहीं चलता। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, इसलिए वीडियोस को देख के आया करें, फिर आके बात किया करें कि आपने कैसे जो है पढ़ना है। ठीक हो गया, ओके।